हेलो दोस्तों, एवेल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर यकीन करना मुश्किल है, पर प्रूफ्स हमें उन घटनाओं पर यकीन करने के लिए मजबूर करते हैं। उसी तरह भूतों पर यकीन करना मुश्किल है, पर प्रूफ्स कुछ और ही बयां करते हैं। आज की हमारी ये वीडियो किसी एक या दो भूत पर नहीं बल्कि अनेक भूतों पर है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। भूतों की बारात। ये कहानी है एक जगह जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बसपर है। इस गांव के पूर्वी दिशा में एक बहुत बड़ा आम का बगीचा है। ये बगीचा एक टाइम पर आने और जाने वाले लोगों को छाया और फल देता था, पर आज से 20 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बगीचे को सुनसान और वीरान बना दिया। आज इस बगीचे में कोई आना जाना पसंद नहीं करता। इस घटना की शुरुआत हुई सन 1997 में, जहां सुभाष कांता की बेटी का विवाह ममता यादव से होने का तय हुआ। घर में शादी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। आज सुभाष कांता की बेटी का विवाह था। बारात पास ही धर्मशाला पहुंच गई थी। यहां पर बारात के विश्राम का बंदोबस्त किया गया था। यहां विश्राम के बाद बारात को पास ही सुभाष कांता के घर जाना था। उन दिनों सड़कों का निर्माण नहीं था, इसलिए बाजो बाजों के साथ कुछ बराती ट्रॉली ट्रैक्टर में सवार थे। ट्रॉली ट्रैक्टर के पहिए जैसे ही कच्ची सड़क पर पहुंचे, वैसे ही सड़क एक तरफ से धस गई और ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली में सारे बैठे लोग मारे गए और चंद मिनटों में हर्षोल्लास का माहौल मातम में बदल गया। इस मातम के माहौल में शादी तो हो गई, लेकिन डोली के साथ कई अर्थियां भी वापस गई। उन अर्थियों में मरने वालों का शरीर तो चला गया, पर उनकी आत्माएं वहीं रह गई। इस बात का पता गांव वालों को सितंबर के महीने में पता चला, जब आसपास के लोगों ने बगीचे के पास हर्षोल्लास भरा शोर सुना, साथ ही साथ बैंड बाजे की आवाज़। ये बात काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि रात में बिना किसी माहौल के शादी कैसे हो सकती है। दोस्तों, सितंबर के कुछ दिन ऐसे माने जाते हैं जिसमें कोई भी शादी या शुभ कार्य नहीं होता। वो दिन होते हैं श्राद्ध के, जिसमें अपने पितरों की पूजा की जाती है। इस आवाज़ का पीछा करते करते एक आदमी उस बगीचे के बीचों बीच जा पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बगीचे में लोग बैंड बाजे के साथ किसी शादी में जा रहे हैं और उनके चेहरे दुख के साथ झुके हुए हैं। वह व्यक्ति समझ चुका था कि ये लोग जिंदा नहीं, मृत हैं, और वह वहाँ से भाग निकला। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद भी उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वो बारात के बीच में ही फंस चुका है। उसने उस बगीचे से बाहर निकलकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और सब लोगों ने उस बात पर विश्वास किया। सब गांव वाले उस बगीचे में एकजुट होकर गए। उन्होंने देखा वहाँ एक से ज़्यादा व्यक्ति के पैरों के निशान थे, जबकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उसके हिसाब से वो रोज़ रात को उस बारात से मिलता था और व्यक्ति ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया और वो मर गया। इसलिए बगीचे में अब कोई नहीं जाता, और जो गया वो या तो पागल होकर मर गया या कभी लौटा ही नहीं। आप सभी व्यूअर्स के लिए एक सवाल है, क्या आप लोग शुभ अशुभ दिन में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।